कोपरखैर ने सेक्टर 10 की चंद्रलोक हाउसिंग सोसाइटी की 7C/26 ये फ्लैट में महबूब अली शेख, पत्नी अनीसा, दो बेटे, बहू और बच्चे इनके साथ रहते हैं। शुक्रवार की रात तकरीबन 11:30 बजे के आसपास बेडरूम का पूरा प्लास्टर दह गया। शनिवार को आशुरा होने से घर के सभी लोग हॉल में बैठ बातें कर मिठाई बना रहे थे, जिस कारण कोई भी जख्मी नहीं हुआ। पर आप देख सकते हैं जिस तरह से प्लास्टर दहा, पर अगर कोई इसके नीचे होता तो बच पाना मुश्किल होता। ये जानकारी अनीसा शेख ने दी। ये हम इतना बड़ा हमारे घर में स्लैब का गिर गया इतनी जोर से। 11:30 बजने का टाइम था रात में। हम लोग मुहर्रम का कुछ काम करते बैठे थे, इसलिए हम लोग सब बच गए, नहीं तो वही रूम में हम लोग सोते करते। रात में इतना बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया हमारे घर में। कल पता नहीं क्या हो जाता क्या नहीं। जब प्लास्टर दहा तो बहुत जोर की आवाज आई। उस वक्त घर की छोटी सी बच्ची सारा रसोई घर में थी, पर घर वालों को लगा कि वो बेडरूम में है, जिस कारण सभी बेहद डर गए थे। वो बहुत बड़ा हमको सदमा हो जाता था मालूम। वो बच्ची हमारे सामने नहीं थी, हम लोग समझे कि वही रूम में है। आवाज जैसे आ गई ना, हम लोग एकदम सबके सब एकदम सारा बोल के चीख मारने को लग गए। वो बच्ची एकदम आवाज सुन के डर के रो के बाहर आ गई एकदम। तो हम लोग इतना डर गए कि पूछो मत। सारा और एकदम सब पसीना पसीना के सारा कोई देख रहे सब लोग कि सारा एकदम सामने आने के साथ में हम लोग पता नहीं आज सारा को क्या हो जाता क्या नहीं, ऐसा डर गए हम लोग। अब इन्हें घर में बैठने से भी डर लग रहा है। इस पर पालिका में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने और ये इमारत का स्ट्रक्चर ऑडिट शुरू होने की जानकारी स्थानिक नगर सेवक रामदास पवले ने दी। आज आम्ही या परिस्थितीमध्ये आहोत की आमच्या दोन्ही सोसायट्या या ठिकाणी रिडेव्हलपमेंटला पुनर्बांधणीसाठी संपूर्ण तयार आहेत, परंतु स्ट्रक्चर ऑडिटचं काम आता या ठिकाणी आम्ही चालू केलेलं आहे आणि कन्वेज डीड हे सुद्धा या ठिकाणी चालू केलेलं आहे। हे दोन्ही आमचे पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही नगरपालिकेमध्ये प्रस्ताव या ठिकाणी टाकणार आहोत पुनर्बांधणीसाठी। त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर आम्ही आमचा विकासक या ठिकाणी बघणार आहोत आणि आमची सर्व लोक या संपूर्ण घरांना कंटाळलेले आहेत आणि या ठिकाणी कधी जीवित हानी होईल, कधी कुठची घटना होईल काही सुद्धा सांगता येत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट मूसा के साथ शेखर हमप्रस की रिपोर्ट।